नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएससी लेक्चर्स में। दोस्तों हम आप पर्सनालिटी 1.1 का जो मैथ है, पर्सनालिटी 1.1 का एक नंबर हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेज दीजिएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको एलसीएम निकालना है कौन सा विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है ना। और एचसीएफ जो है आप पहले भाग विधि द्वारा जरूर निकालेंगे। अब भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है एक बार देख लीजिए। 135 और 225 को भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो ये जाएगा एक बार में 135 होगा, यहाँ पे घटाएगा तो 90 बचेगा और इसको घेर देते हैं। और ये वाला कहाँ जाता है, यहाँ पे बीच में उतारते हैं, ठीक है ना। ये वाला बीच में उतारते हैं, ये जाएगा 90 कम 90, फिर घटाएगा तो 45 होगा, फिर इसको घटते हैं और 90 को यहाँ पे उतारते हैं। ये वाला शायद आप पहले सीख भी चुके होंगे, ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये वाला कट गया। तो जहाँ पे कटता है वहाँ पे आंसर होता है। कटने का मतलब है कि यहाँ पे शेषफल 0 आया, ठीक है ना। तो जहाँ पे शेषफल 0 आता है वहाँ पे 45 आंसर आया, ये नहीं कि 2 और 1 1 आया है, ये वाला आंसर नहीं होता है, ये वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए एचसीएफ बराबर 45, ये वाला 45 आंसर हो गया। तो 45 आंसर इसका भी आएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, इसका फॉर्मूला एक होता है a बराबर BQ+R, ठीक है ना। ये भी इसी के जैसा होता है, देखिए अगर इसको हम इस तरह बनाए तो बीच में a आएगा, इधर b आएगा, इधर q आएगा, इधर r, यानी कि यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो a का मान है, फिर यहाँ भी a का मान, यहाँ भी a का मान, यहाँ पे शेषफल r, शेषफल r, शेषफल r, ठीक है ना। और ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है क्यू क्यू है, कोटेंट बोला जाता है, तो ठीक है ना, ये वाला सब b का मान है। तो देखिए निकालते हैं कैसे, यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर और b बराबर, a का मान मान लेते हैं 225 और b का मान होता 125 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए फॉर्मूला होता है वही, a बराबर BQ+R, या a का मान 225 बराबर b का मान 135 और गुने q का मान। तो देखिए q का मान आपको इससे बताया गया था ना, ये बगल में जितना है सब q का मान है, तो 1 है और उसके बाद शेषफल कितना है, पहली बार 90 आया था। यहाँ पे देखिए कि r का मान 0 नहीं आया, तो लिखा नहीं चुकी r बराबर डज नॉट 0, यानी कि r का मान 0 नहीं है, तब तक बनाएंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। लिखते हैं दोबारा पुनः ए बराबर और बी बराबर, अब की बार देखिए ए का मान बदल जाएगा, ए और बी दोनों का मान बदलेगा, ए का मान अब हो जाएगा 135 और बी का मान हो जाएगा 90। यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर BQ+R, ये हो जाएगा ए का मान 135 बराबर बी का मान 90, क्यू का मान कहाँ से, तो सब क्यू का मान है, ये भी क्यू का मान है, भी क्यू का मान ये ले लिए, अब के बारे में ले लिए आर का मान 45। दोबारा देखिए कि आर का मान 0 नहीं आया है, यहाँ पे 0 लाएंगे तब तक बनाएंगे जब तक 0 नहीं है। फिर लिखते हैं पुनः ए बराबर और बी बराबर, ए और बी का मान दोबारा बदलेगा, अब की बार ए का मान 90 हो जाएगा और बी का मान 45 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर सेम फॉर्मूला, ए बराबर BQ+R, ए का मान 90, बी का मान 45 गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे जैसा यहाँ पे कट गया था तो क्या हुआ था, 45 आंसर आया था, यहाँ भी कट गया तो 45 आंसर जगह लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर 45 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाया गया है। तो ये पर्सनालिटी 1.1 का एक नंबर क्वेश्चन था, अब बनाएंगे पर्सनालिटी 1.1 का 2 नंबर। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पीएससी लेक्चर्स में। दोस्तों, हम अब प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर का दो नंबर को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर हल चुका है, अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर दो नंबर का देखिए। तो चलिए बनाते हैं। देखिए दो नंबर में क्या दिया है, 196 और 38,220 है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, उसी तरह भाग विधि से पहले बनाते हैं। तो भाग विधि से पहले बनाते हैं, देखिए किस तरह हो जाएगा। ये हो जाएगा 196 और 38,220 है, ठीक है ना। जिसे भाग बनाते हैं उसे पहले बना लेते हैं। तो ये जाएगा 196 बार में एक बार में, घटाने के बाद क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2681, ठीक है ना। घटाने के बाद बचा, उसके बाद ये कितना बार में जाएगा, देखिए ये जाएगा 9 बार में। 9 बार में जाने के बाद यहाँ पे आएगा 1764। 1764 घटाते हैं, तो घटाने के बाद देखिए क्या आएगा, बारे में से 4 घटाइएगा तो 8 बचा। 8 के बाद यहाँ बचेगा 9, ये वाला कट गया, 0 बचा, इसको उतारते हैं। ये कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये कट गया, तो यहाँ पे कटने का मतलब क्या है कि 0 आया है। और जैसे ही बताया गया कि जहाँ पे 0 आता है बोला यही वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसलिए SCF बराबर 196। ये वाला है भाग विधि, भाग विधि से नहीं लाना है, हमें लाना है ये वाला यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से। तो फिर एक बार बता दें कि ये वाला A का मान है, ये वाला B का मान है, ये वाला Q का मान है, और यहाँ पे जो बचा है शेषफल वो R का मान है, 0 आया है। कटने का मतलब क्या है कि 0 आया है यहाँ पे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे मान लेते हैं, माना A बराबर और B बराबर, A का मान 38,220 और बी का मान 196। यहाँ पे लिखते हैं कौन सा विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला वही लिख लीजिए, ए बराबर बी के प्लस आर। ये हो जाएगा ए का मान देखिए 38,220 बराबर बी का मान 196, क्यू का मान, क्यू का मान ये वाला बताया गया था 195 है, 195 प्लस आर का मान, आर का मान देखिए इधर 0 है, 0 लिखते हैं। और देखिए यहाँ पे पहली ही बार में 0 आ गया, तो लिखते हैं क्योंकि आर बराबर 0, ठीक है ना। जहाँ पे आर का मान आता है वहाँ ई वाला आंसर होता है। तो लिखते हैं इसलिए एच सी एफ बराबर 196, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला तो भाग विधि से था, तो भाग विधि से नहीं बनाना है, एग्जाम में आप ये वाला विधि इस्तेमाल करेगा तब जाकर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएससी लेक्चर्स में। दोस्तों, हम आप प्रश्नावली 1.1 का जो मैथ है, प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर का एक नंबर हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेज दीजिएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको एचसीएफ निकालना है कौन सा विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है ना। और एचसीएफ जो है आप पहले भाग विधि द्वारा जरूर निकालेंगे। अब भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है एक बार देख लीजिए। 135 और 225 को भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो ये जाएगा एक बार में 135 हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 90 बचेगा और इसको घेर देते हैं। और ये वाला कहाँ जाता है, यहाँ पे बीच में उतारते हैं, ठीक है ना। ये वाला बीच में उतारते हैं, जाएगा 90 कम 90, फिर घटाएगा तो 45 होगा, फिर इसको घटते हैं और 90 को यहाँ पे उतारते हैं। ये वाला शायद आप पहले सीख भी चुके होंगे, ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये वाला कट गया। तो जहाँ पे कटता है वहाँ पे आंसर होता है, कटने का मतलब है कि यहाँ पे शेषफल 0 आया है, ठीक है ना। तो जहाँ पे शेषफल 0 आता है वहाँ पे 45 आंसर आया, ये नहीं कि 2 और 1 1 आया है, ये वाला आंसर नहीं होता है, ये वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे इसलिए एचसीएफ बराबर 45, ये वाला 45 आंसर हो गया। तो 45 आंसर इसका भी आएगा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है, इसका फॉर्मूला एक होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
ठीक है ना, ये भी इसी के जैसा होता है। देखिए अगर इसको हम इस तरह बनाए तो बीच में ए आएगा, इधर बी आएगा, इधर क्यू आएगा, इधर आर, यानी कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो ए का मान है, फिर यहाँ भी ए का मान, यहाँ भी ए का मान, यहाँ पे शेषफल आर, शेषफल आर, शेषफल आर, ठीक है ना। और ये जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है क्यू क्यू है, कोटेंट बोला जाता है, तो ठीक है ना, ये वाला सब बी का मान है। तो देखिए निकालते हैं कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए बराबर और बी बराबर, ए का मान मान लेते हैं 225 और बी का मान होता है 123 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए फॉर्मूला होता है वही, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या ए का मान 225 बराबर बी का मान 135 और गुने क्यू का मान। तो देखिए क्यू का मान आपको इससे बताया गया था ना, ये बगल में जितना है सब क्यू का मान है, तो एक है, और उसके बाद शेषफल कितना है, पहली बार 90 आया था। यहाँ पे देखिए कि आर का मान 0 नहीं आया, तो लिखा नहीं चुकी आर बराबर डज नॉट 0, यानी कि आर का मान 0 नहीं है, तब तक बनाएंगे जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए। लिखते हैं दोबारा पुनः ए बराबर और बी बराबर, अब के बाद देखिए ए का मान बदल जाएगा, ए और बी दोनों का मान बदलेगा, ए का मान हो जाएगा 135 और बी का मान हो जाएगा 90। यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा ए का मान 135 बराबर बी का मान 90, क्यू का मान कहाँ से, तो सब क्यू का मान है, ये भी क्यू का मान है, भी क्यू का मान ये ले लिए, आपके बारे में ले लिए आर का मान 45। दोबारा देखिए कि आर का मान 0 नहीं आया है, यहाँ पे 0 लाएंगे तब तक बनाएंगे जब तक 0 नहीं है। फिर लिखते हैं पुनः ए बराबर और बी बराबर, ए और बी का मान दोबारा बदलेगा, अब की बार ए का मान 90 हो जाएगा और बी का मान 45 हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, फिर सेम फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 90, बी का मान 45 गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे जैसा यहाँ पे कट गया था तो क्या हुआ था, 45 आंसर आया था, यहाँ भी कट गया तो 45 आंसर जाएगा, लिखेंगे इसलिए इसलिए बराबर 45 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा बनाया गया है। तो ये पर्सनली 1.1 का एक नंबर का एक नंबर क्वेश्चन था, अब बनाएंगे पर्सनली 1.1 का दो नंबर।